हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग दी टू और थ्री। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक मेमोरी है जिसकी लोकेशन है 2050 एंड 2051। इसमें हमने 2050 पे 25 स्टोर कराया है और 2051 पे हमने 15 स्टोर कराया है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड कैसे करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हैं बेस एड्रेस, जैसे कि 2000 2003, 2000 से 2003 कैसे आएगा, जो हमारा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमारी ये इंस्ट्रक्शन है पहली, इसका एक बिट होता है इसकी कोड का और एक बिट इस एड्रेस का। तो ये कितने आगे मूव हुई, पहले तो आएगी ये 2001 2 एंड फिर ये 3 पे हम ये लिखेंगे, तो ये दो आगे मूव हो जाएगी। तो ऐसे ये मूव्स हो रहे हैं। और जैसे कि है 2008, 2008 के बाद हमारा आता है 2009, फिर 2010 की बजाय हम लिखते हैं 2000A। और जब आप लिखेंगे 2010 तो वो हमारा क्या होता है, 2016 होता है वो हमारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे एड्रेस लिखा है ये हेक्साडेसिमल में चल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर अमंग 25 एंड 15। तो एल डी ए क्या करता है, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर, मतलब 2050 एड्रेस पे जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में लोड कराएगा। एक्यूमुलेटर हमारा होता है ए, उसमें हमारा 25 ऐड हो जाएगा। ये काम करा एल डी ए ने। अब आता है मूव बी टू ए। अब हम क्या करेंगे, बी में ए को डाल देंगे, मतलब अब बी में 25 आ गया। अब दोबारा से हम एल डी ए, ये भी परफॉर्म हो गई। अब करेंगे परफॉर्म एल डी ए 2051। इसमें क्या करेंगे, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर, जब हमने 25 को ए में डाला तो उसको हमने फिर से बी में डाला। क्यों, क्योंकि हमें ए में एक्यूमुलेटर में एक और ऐड कराना है। हमने ऐड करा दिया 2051 एड्रेस पे जो डेटा है, क्या है, 15। उसके बाद हमारी थर्ड आती है, थर्ड इंस्ट्रक्शन बोलती है कि कंपेयर बी, बी को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए माइनस बी, ए माइनस बी हमें क्या दे रहा है, -10। ए माइनस बी ने हमने क्या दिया, -10 दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शन जे एन सी 200C। जे एन सी क्या कह रहा है, जंप इफ कैरी फ्लैग। जो हमारे 8085 के रजिस्टर्स होते थे, फ्लैग रजिस्टर्स, उसमें से जो हमारा जीरो फ्लैग था या कहें कि कैरी फ्लैग था, अगर वो वन आता है, मतलब अगर वो जीरो आता है तो जंप होगा 2200C पे। 2000C पे जंप होगा, मतलब ये डायरेक्टली एसटीए को कॉल करेगा, ये वाली जो है ये स्किप हो जाएगी। बट हमारा यहाँ क्या आंसर आया, -10। तो अब क्या होगा कि ये जंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीएमपी क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब कैरी फ्लैग पे आता है जीरो, क्योंकि हमने ए में से बी को माइनस किया तो हमारे पास -10 आया, और 10 हमारा कैरी जनरेट करता है। तो कैरी जनरेट करने की वजह से क्या होगा कि जीरो ना आने की वजह से हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब मूव ए टू बी जनरेट हो जाएगी। ए टू बी मतलब हमारा बी में क्या है, अब बी में हमारा था 25, वो अब किस में आ जाएगा, ए में, बी में आ गया 25, सॉरी बी में हमारा 25 था, वो आ जाएगा अब ए में, क्योंकि ये ऐसे ट्रांसफर होता है। नाउ एस टी ए 3050, 3050 क्या है, ये एड्रेस, और एस टी ए मतलब स्टोर डेटा इनटू एक्यूमुलेट, स्टोर डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस एड्रेस, ये होता है एस टी ए का काम। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो 3050H, एच हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डेसिमल के लिए डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एड्रेस है और क्या डेटा है। इसमें हमारा चला जाएगा अब 25, उसके बाद हम टर्मिनेट कर देंगे एच एल टी होल्ड से। तो
अगर ध्यान से देखें कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है, कि हमने पहले ए में 25 डाला, हमें एक और नंबर इंसर्ट कराना था 15, तो हमने जो 25 डाला था उसको बी में डाल दिया, ये दोनों हो गई परफॉर्म। उसके बाद हमने 15 को भी ऐड करा दिया, अब हमारे पास ए और बी में दो नंबर है 25 और 15। हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो हमने क्या किया, कंपेयर कराया बी को, इस ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली बी को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर कराती है, मतलब 25 को हम 15 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें अगर जंप करेगा, जब अगर फ्लैग कैरी फ्लैग हमारा 0 हो, बट इस केस में हमारा कैरी फ्लैग 0 नहीं हुआ, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गई, वरना 2000C पे ये डायरेक्टली जंप कर जाता ऐसे, और ये इंस्ट्रक्शन जो थी स्किप हो जाती। बट इस केस में क्या हुआ कि 15 माइनस 25 हमें क्या मिला, -10, जिससे कि हमारा कैरी जनरेट नहीं हुआ और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई, मूव ए टू बी। इससे क्या हुआ कि जो दोनों में से बड़ा एलिमेंट था वो हमारा अब एक्यूमुलेटर में आ चुका है, और हमने स्टोर डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर एट एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर कर हमें 3050 पे 25 को स्टोर करा दिया, और 25 हमारा क्या है, आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है ए प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर। इसमें क्या करना है, हमें इवन और ओड में से इवन नंबर को फाइंड करके रिजल्ट को शो करना है 3050 एड्रेस पे। तो स्टार्ट करते हैं, LDA2050 ये क्या कर रहा है, हमारा एक्यूमुलेटर में जो 2050 मेमोरी पे जो हमारा डेटा है उसको ये एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है ANI01। ANI01 क्या कर रहा है, हमारा वन के साथ एंड कर रहा है, मतलब अब हमारे एक्यूमुलेटर में क्या है, 205 वाला डाटा, तो जो हमारा एक्यूमुलेटर का डाटा है उसको ये एंड करेगा। एंड करेगा किसके साथ, 01 के साथ। 01 के साथ एंड करने पे जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम आगे प्रोसेस करेंगे, तो एंड कर लिया ANI से। उसके बाद आता है हमारा JZ2000D। 2000D मतलब जंप टू जीरो, जंप इफ जीरो किस पे, 2000D पे जंप हो जाएगा अगर जीरो होता है तो। इस इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, जंप इफ जीरो फ्लैग इज इक्वल्स टू वन, मतलब जीरो फ्लैग जब वन होगा, जब ये 2000D पे जंप हो जाएगा। और जीरो फ्लैग जंप कब होता है, जब हमारा रिजल्ट जीरो निकले। रिजल्ट जीरो कब निकलेगा, जब हमारा एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है और 01, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, एंड करेंगे, और अगर रिजल्ट जीरो आया तो जीरो फ्लैग में वन हो जाएगा, वरना जीरो रहेगा, वरना जीरो रहेगा। तो इस केस में हमारा अगर नहीं होता, अगर हमारा वन नहीं आता तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। इसमें क्या, हमारा MVI A11, अब एक्यूमुलेटर में हमारा 11 डल जाएगा। उसके बाद जंप टू 200F, जंप टू 2000F, इसमें क्या होगा, 2000F पे डायरेक्टली जंप कर जाएगा अगर जीरो फ्लैग वन हुआ तो। अगर जीरो फ्लैग वन हुआ तो 2000 पे जंप कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, जंप टू 200F, ये डायरेक्टली जंप कराएगा इस पे, और ये कब होगा, जब ये ट्रू होगा। और ट्रू कब होगा, ये जब इस पे वन आएगा। तो अब हम जंप कर जाएंगे 200F पे और स्टोर करा देंगे एक्यूमुलेटर में 11। बट अगर ये ट्रू नहीं होता, अगर ये फॉल्स होता है, तो ये वाली कमांड फॉलो होगी। इस कमांड पे क्या आता है, MVI A22, मतलब अब एक्यूमुलेटर में 22 डल जाएगा। उसके बाद 22 3050 पे स्टोर हो जाएगा, मेमोरी 3050 पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हो जाएगा, और ये टर्मिनेट हो गया। अब ओवरऑल बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है। पहले हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर थी, उसको हमने एंड कराया वन के साथ।
वन के साथ एंड कराने पे अगर वो ट्रू आती है, वन के साथ अगर एंड कराने पे तो ट्रू आती है, तो हम वो केस लेते हैं इवन का, हम वो केस लेते हैं इवन का। हमें क्या बताना था, 11 और 22 इन दोनों में से इवन नंबर कौन सा है। तो हमने क्या किया, पहले एंड कराया वन को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, इनिशियल कंटेंट के साथ। उसके बाद एंड कराने पे अगर हमारा जीरो फ्लैग वन हो जाता तो इवन माना जाता, इवन होने की वजह से ये 2000D पे ट्रांसफर हो जाती और ए में 22 डल जाता जो कि इवन है। ये थी सिचुएशन इवन की। उसके बाद स्टोर हो जाता 3050 पे और ये दोनों जो हमारी कमांड्स हैं या कहीं इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्किप हो जाती। और अगर केस लें कि जीरो फ्लैग हमारा जीरो आ जाता, मतलब जीरो फ्लैग रिसेट नहीं होता, तो हमारा ए में 11 डल जाता और नेक्स्ट हमारी जंप करा रही है डायरेक्ट इसी पे, ये इवन के केस में होता। तो ये केस है इवन का और ये केस है ओड का। ओड के केस में ये 11 पे डल जाता और डायरेक्टली 2000F पे जंप होता और 11 3050 एड्रेस पे स्टोर हो जाता। आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम्स अच्छे से समझ आए होंगे, तो इनको आप इजीली कर सकते हैं पेपर में। अब आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो हमें हमारे चैनल या स्टडी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।